नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अनर्स अड्डा पर। जैसे कि मैंने अपने आपके पिछले जो वीडियोस हमारे आए हुए थे, मैंने उसमें क्या पढ़ाया था आपको, एपी, ठीक है। तो एपी के मैंने चार पार्ट्स लगभग खत्म कर दिए थे। आज जो हमारा एपी का पांचवा पार्ट है, हम लोग क्या करेंगे, एपी में आज डिस्कस करेंगे वर्ड प्रॉब्लम के ऊपर, ठीक है। आपको दिख रहा होगा वर्ड प्रॉब्लम के ऊपर हम लोग एपी में डिस्कस करेंगे। और जो आज वर्ड प्रॉब्लम हम उठाए, ये नहीं है कि केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हैं, कुछ हैं, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हैं और कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, ठीक है। तो उम्मीद रखिए, भरोसा रखिए और आप लोगों के लिए सबसे अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आज हम करवाएंगे। 8 क्वेश्चंस का हमारा टारगेट है, 8 क्वेश्चन आज हमें करने हैं और ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देंगे। तो आप लोग बिल्कुल तैयार रहिए कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए एपी का, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम बोर्ड में ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो आज का जो बोर्ड में वर्ड प्रॉब्लम ज्यादा पूछा जाता है, उसी को ध्यान में रखते हुए हम ये वीडियो लेकर आए हैं। इसके बाद में हम एनसीईआरटी वर्ड प्रॉब्लम्स भी करवा देंगे जो कुछ बचे रहेंगे उनको, ठीक है। तो आप सभी हम जब क्वेश्चन लिखा करें उसका एक स्क्रीनशॉट ले लिया करें, स्क्रीनशॉट लेने के बाद खुद से लगाया करें, लगाने के बाद फिर आकर के तब इसको हमारा सोल्यूशन देखा करें, ठीक है। गलत जाए तो वेल्डर बहुत बढ़िया, और नहीं हुआ तो फिर हमारा सोल्यूशन आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा फाइंड द सम ऑफ ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 7 लाइंग बिटवीन 500 एंड 900, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आए हैं, बार बार खो लीजिए, ठीक है। उसके बाद में अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलते रहेंगे आपको, तो ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 500 से लेकर के 900 के बीच में जितनी भी संख्याएं 7 से विभाजित होती है, उन सभी का हमें सम पता करना है, ठीक है। तो चलिए हम पता करते हैं इनका सम, शुरू करते हैं शुरू से, ठीक है। सबसे पहले हमें पता करना है 7 से मल्टीपल होने वाली संख्या जो 500 से बड़ी हो, ठीक है। तो कैसे करेंगे पता, देखिए 500 को आप डिवाइड कर लीजिए 7 से, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 7 से 49, 1 10, 7 से 49 बचा 1 और 10 7 से 7, ठीक है। तो क्या आ गया यहाँ पे 3, तो 500 जो रिमाइंडर हमारा आ गया, रिमाइंडर क्या करेगा माइनस कर लेंगे 500 से, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो 500 से जब हम 3 माइनस करेंगे तो हमारे क्या आ जाएगा 497, हमारा पहला टर्म जो है 497 है, लेकिन 500 से ऊपर चाहिए हमें, तो 7 तो मल्टीपल भी होना चाहिए, तो 7 और ऐड कर देते हैं हम लोग, कितना आ जाएगा 504। तो हमारा जो पहला टर्म है वो कितना क्या आ गया 504, ठीक है। ऐसे लास्ट में आप डिवाइड करके निकाल लीजिएगा, डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जो बचेगा उसको माइनस कर देंगे, 7 से 7 बचेगा 220, 7 से 14, 6, 7 से 56, 4, ठीक है। 4 रिमाइंडर बचेगा, 900 में से 4 आप माइनस कर दीजिए तो कितना बच जाएगा आपका 896। तो आपका लास्ट टर्म कितना आ गया 896, ठीक है। कॉमन डिफरेंस मैंने आपको बताया, कॉमन डिफरेंस हमारे क्या होता है, जिससे मल्टीपल है जो भी डिविजिबल होता है वही हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। सिंपल प्रोसेस सोचना शुरू कीजिए, दो बार में से फॉर्मूला लगाना है, किसके लिए, पहले तो एन निकालना है फिर एस एन निकालना है, ठीक है। तो हम लोग निकाल लेते हैं बहुत ही आसानी से, एन निकालेंगे क्या फॉर्मूला हमारा होता है टी एन वाला, टी एन इज इक्वल टू क्या है ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी, ठीक है। टी एन तो लास्ट हमारा कितना 896 इज इक्वल टू 504 प्लस एन माइनस वन इन टू डी इन कॉमन डिफरेंस 7, ठीक है। इसको माइनस हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा 923, 392 is equal to n minus 1 into 7, ठीक है। 7 से इसको डिवाइड करेंगे, 7 5 जा 35, 4 7 6 जा 42, तो कितना आ गया n minus 1 is equal to 56, n is equal to 57, टोटल टर्म हमें पता चल गया कितने हैं 57, टोटल टर्म कितने हैं 57। आगे बढ़ते हैं, Sn वाला फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। तो Sn is equal to क्या होता है, n upon 2 into a plus l, अगर हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है तो फर्स्ट टर्म पता है लास्ट टर्म पता है ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। एस 57 निकालना है, इज इक्वल टू क्या होगा 57 अपॉन 2 इनटू ए, क्या है हमारा फर्स्ट टर्म क्या है 504 प्लस लास्ट टर्म कितना हमारा 896, ठीक है। एस 57 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 57 अपॉन 2, इसको जोड़ लेंगे 800 600 1400, ठीक है। तो 1400 2 से डिवाइड करके क्या आ जाएगा 700, इसको मल्टीप्लाई करेंगे एस 57 निकालेंगे हम लोग, ठीक है। क्या आएगा 7 से 49 कैरी 4 7 5 34 39, हमारा क्या आ गया 39,900, क्या आ गया 39,900 का सम, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आप लोग बहुत ही आसानी से कर सकते थे इसको। चलिए चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड पर, ठीक है बच्चों। तो
क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोग स्क्रीन के ऊपर ये रहा क्वेश्चन दिख रहा होगा, काफी लंबा चौड़ा लिखा है ठीक है, लेकिन ऐसा ही देख लीजिए क्वेश्चन बहुत ही इजी है, कैसे करना है इसको बस हमें ही जानना है ठीक है। स्क्रीनशॉट लेकर के खुद एक बार ट्राई कीजिए फिर हम तो बताइए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, रामकली रिक्वायर्ड ₹2500 आफ्टर 12 वीक्स टू सेंड हर डॉटर टू स्कूल, सी सेव्ड 100 इन फर्स्ट वीक एंड इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग बाय ₹20 एवरी वीक, फाइंड वेदर शी विल बी एबल टू फाइंड टू सेंड हर डॉटर टू स्कूल आफ्टर 12 वीक्स। हमें क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि रामकली है ठीक है, उनको ₹2500 की जरूरत है अपनी बेटी को स्कूल में भेजने के लिए। ₹2500 के लिए उन्होंने क्या किया कि 12 हफ्तों में उनको स्कूल भेजना ठीक है, अपनी बेटी को 12 वीक्स में उनको स्कूल भेजना, ₹2500 की जरूरत है। सेविंग वो स्टार्ट करना शुरू करती है, पहले वीक में बचाती है ₹100, उसके बाद ₹120, फिर ₹140, फिर ₹160, ऐसे करके हर वीक वो अपना सेविंग बढ़ाती जाती है ₹20 से ठीक है। तो हमें फाइंड करना है क्या वह योग्य हो जाएंगे 12वें हफ्ते में अपनी बेटी को स्कूल भेजने के लिए ठीक है। ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी था, 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। चलिए हम लोग करते हैं सॉल्यूशन, आप तो आप लोगों को क्वेश्चन आसान लग रहा होगा ठीक है। हमें क्या है एस एन हमें टोटल पता है कितना करना है, 2500 करना है ठीक है, टोटल 2500 करना है। एन हमें पता है कितना टाइम हमारे पास 12 वीक्स का टाइम है ठीक है। उसके बाद हमें पता है ए कितना हमारा 100 है और कॉमन डिफरेंस हमें पता है कितने का है 20 का ठीक है। बस हमें सीधा प्रूफ करना है कि आप 2500 ए एबल हो जाएंगी करने के लिए। चलिए करते हैं हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, एस एन इज इक्वल टू क्या होता है हमारा एन अपॉन टू इन टू टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी ठीक है। तो एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू मीन्स क्या है 12 अपॉन टू इन टू टू ए मीन्स टू इन टू 100 प्लस एन माइनस वन मीन्स 12 माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस डी मीन्स 20 ठीक है। हम लोग यहां से लगाएंगे एस एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ये 6, ये हमारा क्या आ जाएगा ब्रैकेट में 200 और प्लस 11 22 ठीक है। तो 220 एस एन इज इक्वल टू आ जाएगा 6 इंटू 420 ठीक है। एस एन इज इक्वल टू हमारे कितना हो जाएगा, एस एन इज इक्वल टू हो जाएगा 2520 ठीक है। इससे हमें हम लोग ये पता चल गया कि 2520 जो है वो सेव कर लेंगे 12वें हफ्ते में और उन्होंने ₹20 बचा भी लेंगे अपना ठीक है। तो उनको जरूरत कितने की थी 2500 की सिर्फ थी, तो अपनी बेटी का एडमिशन आराम से करा सकते हैं स्कूल में। एक क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड पूछा गया था वैल्यू बेस्ड था कि इससे आपको क्या प्रेरणा मिलती है, तो हम लोग बस यही है कि मतलब हाँ सेविंग करना अच्छी चीज है, अच्छे चीज के लिए सेविंग करना है तो बहुत ही अच्छी चीज है ठीक है। ये सब आपको लिखना है और हमारे मतलब कभी खराब समय या बुरे समय में काम आ सकता है ठीक है। तो ये क्वेश्चन था बहुत इजी क्वेश्चन था, चलते हम लोग आज के नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 पर ठीक है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है, क्वेश्चन को देख लीजिए स्क्रीनशॉट कीजिए इसको लगाने की कोशिश कीजिए ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 200 लॉग्स आर स्टैक्ड इन सच अ वे दैट देयर आर 20 लॉग्स इन द बॉटम रो, 19 इन द नेक्स्ट रो, 18 इन द नेक्स्ट रो एंड सो ऑन। इन हाउ मेनी रोज 200 लॉग्स आर प्लेस्ड एंड हाउ मेनी लॉग्स आर देयर इन फर्स्ट रो ठीक है। इस क्वेश्चन को आप समझिए क्या है, कह रहा है 200 लकड़ियों का, 200 कटे हुए लकड़ियों का एक इकट्ठा मतलब पूरा वो है ठीक है बंडल, तो उसमें हमें क्या है कि वो लकड़ियां रखी गई बिछाई गई ठीक, लॉग्स हैं लकड़ियां मतलब तो बड़ी बड़ी कटी हुई लकड़ियां उसे बिछाई गई। तो उसमें कैसे बिछाई गई, पहले 20 नीचे बिछा दी गई है उसके ऊपर, पहले 20 नीचे बिछाई गई उसके ऊपर 19 फिर उसके ऊपर 18 फिर ऐसे करते करते ऊपर तक बिछाई गई जब तक 200 लकड़ियां प्लेस नहीं होंगी ठीक है। तो देखिए पहले 20 बिछाई गई, मैं तो देखिए समझ लीजिए ध्यान से, पहले यहां पर क्या है 20 है, फिर इसके ऊपर जो बिछाई गई उसमें कितनी है 19 है, फिर इसके ऊपर जो बिछाई गई उसमें कितनी है 18 है। ऐसे ही लकड़ियां हमारे बिछाते बिछाते रखी गई ठीक है, जब तक कि 200 लकड़ियां पूरी नहीं हो गई। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये बताइए कितने रो लगेंगे, 1 2 3 ऐसे कितने रो लगेंगे उन सारी 200 लकड़ियों को रखने के लिए, और पहले वाले रो में कितनी लकड़ियां होंगी ठीक है, ये हमें पता करना है। अच्छा क्वेश्चन है ये ठीक है, शुरू करते हैं देखिए सॉल्यूशन इसका। सबसे पहले हमें ए पता है क्या है 20, कॉमन डिफरेंस पता है क्या है माइनस का 1 ठीक है, और एस एन पता है एस एन कितना है 200 ठीक है, क्योंकि टोटल सम हमारा कितना है 200 है। तो चलिए
अब हम लोग इसमें फॉर्मूला लगाते हैं, और इतनी चीज पता है और तो नहीं पता है, ठीक है। हम फॉर्मूला लगाते हैं सबसे पहले एस एन वाला, ठीक है। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन का फॉर्मूला होता है एन अपॉन टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। एस एन हमें पता है कितना है, 200 है, इज इक्वल टू एन अपॉन टू, एन हमें नहीं पता है पता करना है, टू ए अभी मल्टीप्लाई कर लेना डायरेक्ट, 22 40, ठीक है, प्लस एन माइनस वन, डी की वैल्यू क्या है माइनस वन, ठीक है। तो माइनस वन है तो जहां पे प्लस है उसको माइनस लिख रहे हैं और यहां वन से मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, ठीक है। 200 से यहां मल्टीप्लाई करेंगे, टू का क्या हो गया 400 इज इक्वल टू 40 एन माइनस का एन स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एन, ठीक है, ये हो गया हमारा। तो अभी और क्या बन जाएगा हमारा, ये हमारा बन गया क्या कि 4 एन स्क्वायर इस तरफ आएंगे प्लस का माइनस का 41n प्लस का 400 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, हमें चाहिए 400 और 41 को तोड़ना, तो 25 16 में 400 होता है, 25 16 41 भी होता है, ठीक है। तो चलिए एन स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n प्लस 400 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहां से हम लोग क्या करेंगे, एन कॉमन निकालेंगे तो आ जाएगा एन माइनस 25 इस वाले दोनों टर्म से, माइनस 16 कॉमन निकालेंगे तो आ जाएगा एन माइनस 25 इज इक्वल टू 0, ठीक है। हमारा क्या आ गया, एक में आ गया एन माइनस का 16, दूसरे में क्या आ गया एन माइनस का 25 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहां से हमारा एक आ सकता है क्या, एक आ सकता है एन इज इक्वल टू 16 और एन इज इक्वल टू 25, ठीक है, दो वैल्यू आ रही है एम की। अब देख लीजिए मामला यहां फंस गया, कह रहा है हमारी जो रोज है या ये तो 16 हो सकती है या तो 25 हो सकती है, ठीक है। तो चलिए चेक कर लेते हैं, पहले ज्यादा वाले रो पे चेक कर लेते हैं, जब ज्यादा वाली रो होगी तो कम वाली तो अपने आप होगी, ज्यादा वाली नहीं होगी तो फिर कम वाली ही होगी, ठीक है। तो हम लोग इसीलिए ज्यादा वाले पे चेक कर रहे हैं, मतलब एन 25 को लेकर हम चेक करते हैं, ठीक है। एन 25 को लेकर चेक करने का मतलब है कि टी एन हम निकाल रहे हैं, ठीक है, टी एन मीन्स टी 25 हम निकाल रहे हैं, इज इक्वल टू क्या होता है ए प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो टी 25 इज इक्वल टू हमारा क्या होगा, ए कितना हमारा, ए है 20 प्लस 24 इंटू कॉमन डिफरेंस हमारा कितने का है माइनस 1 का, ठीक है। तो टी 25 इज इक्वल टू क्या होगा हमारा 20 माइनस 24, टी 25 हमारा कितना आ गया माइनस का 4, ये आपको प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। टी 25 में माइनस 4 आ रही, माइनस 4 लकड़ियां रख सकते हैं हम लोग, माइनस 4 लकड़ियां रख सकते हैं, नहीं रख सकते ना, तो इसीलिए टी 25 वाला हमारा क्या होगा, एन इज इक्वल 25 नॉट पॉसिबल, हेंस एन इज इक्वल टू 16 पॉसिबल। तो एन इज इक्वल टू 16 रख करके हम लोग निकाल लेते हैं कि 16 16 तो रो होंगी और 16 में रो पे कितनी लकड़ियां होंगी ये हम यहां से निकाल लेंगे, ठीक है, कहां से, टी 16 से। तो टी 16 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस 15 डी, ठीक है, थोड़ा डायरेक्ट करना है। तो टी 16 इज इक्वल टू क्या होगा, ए हमें बताया कितना है 20 प्लस जो डिफरेंस है हमारा माइनस का, तो इसलिए माइनस दिया 15 इंटू डिफरेंस कितने का 1 का, ठीक है। तो टी 16 इज इक्वल टू 20 माइनस का 15, टी 16 इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 5, ठीक, कितना आ गया 5। तो 16 में रो में कितनी लकड़ियां थी हमारी, 5 लकड़ियां थी, ठीक है। तो हमें ये पता चल गया, सबसे पहले ये पता चल गया कि कुल कितने नंबर ऑफ रोज में आएंगे, 16 रोज में आएंगे, 25 में नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि मैंने प्रूफ कर दिया, ठीक है, माइनस 4 नहीं होना चाहिए। उसके बाद सबसे ऊपर वाले रो में कितनी लकड़ियां होनी चाहिए, 5 लकड़ियां रहेंगी, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन इसलिए मैंने आपको दे दिया है, ठीक है। तो इसीलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो कि इससे भी अच्छे क्वेश्चन होंगे, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग स्क्रीन के ऊपर ये रहे, क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द प्रोडक्शन ऑफ अ टीवी सेट्स इन अ फैक्ट्री इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली बाय अ फिक्स्ड नंबर एवरी ईयर, इट प्रोड्यूसेस 16,000 सेट्स इन 6th ईयर एंड 22,600 सेट्स इन 9th ईयर, फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर 8th ईयर एंड फर्स्ट 6 ईयर्स, ठीक है। तीन क्वेश्चंस में पूछा है क्वेश्चन देकर के, हम लोग निकालते हैं, देखिए कितना इजीली से करते हैं, ठीक है। क्या है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन सबसे पहले कह रहा है कि हमें देखिए एक दे दिया 6th ईयर में 60,000, ठीक है, यही पकड़ना है, मींस T6 दिया है हमें क्या है 16,000, उसके बाद दे दिया है 22,600 इन 9th ईयर, ठीक है। तो मतलब T9 हमें दिया है क्या 22,000
600, ठीक है। हम लोग टी सिक्स जानते हैं क्या होता है, ए प्लस फाइव टी, ए प्लस फाइव टी पता है क्या हो गया 16,000, ठीक है। टी नाइन क्या होता है, ए प्लस एट डी इज इक्वल टू क्या हो गया 22,600, ठीक है। इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान लो सेकंड इक्वेशन, उसको बाद लिख देना और सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम द सेकंड इक्वेशन, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन से अगर आप घटा लेते इसको तो क्या आएगा, ए प्लस क्या था इधर का 5d इज इक्वल टू क्या था 16,000, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें माइनस करेंगे तो माइनस माइनस माइनस, प्लस माइनस कैंसल, 8 माइनस 5 किया 3d इज इक्वल टू क्या बचा यहां पे हमारा 6,600, ठीक है। तो d इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया 2200, d इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 2200, कॉमन डिफरेंस हमारा आ गया 2200, ठीक है। तो इस वीक वैल्यू पुट कर लेते हैं तो हमें एक पता चल जाएगा, एक का मतलब होता है फर्स्ट ईयर वाला पता चल जाएगा, पहला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, आंसर क्या आएगा, ए प्लस फाइव इंटू डी मीन्स 2200 इज इक्वल टू 16,000, ठीक है। यहां से हमारे क्या आएगा, ए प्लस 11,000 इज इक्वल टू 16,000, ठीक है। तो यहां से हमारे क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू 5,000 means A is equal to 5,000 TV sets हमारा बनेगा फर्स्ट ईयर के दौरान। कितनी TV sets बनाएगी वो कंपनी, 5,000 TV sets बनाएगी, ठीक है। पूछ रहा है एट्थ ईयर के दौरान, एट्थ ईयर में कितना बनेगा, means हमें T8 निकालना है, ठीक है। T8 निकालना है तो T8 is equal to क्या होता है, A plus 7D, ठीक है। ये हमारा कितना है, हमें पता चल गया 5,000 TV sets है, प्लस 7 इंटू डी कितना है 2200, ठीक है। यहां लगा लेते हैं हम लोग, इसको क्या हो जाएगा 5000 प्लस 154,000 15,400, ठीक है। इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 20,400, 20,400 टीवी सेट्स बनाएगी किस ईयर में, एट ईयर में बनाएगी, ठीक है। हम लोग देखो इसको ऐसे कर सकते थे, 20,400 हमें पता था नाइन्थ ईयर में कितनी बनाती है, नाइन्थ ईयर में कितनी बनाती है 22,600, ठीक है। एट ईयर में कितना बनाएगा, कॉमन डिफरेंस भी ऐड हुआ होगा तो कॉमन डिफरेंस हम घटा सकते थे 2200, इसमें से अगर हम 2200 घटा देते तो सीधे सीधे पता चल जाता 20,400, सीधा आंसर निकल आता उससे भी, ठीक है। आप इससे कर सकते हैं, उससे भी कर सकते हैं, दो तरीका हो जाएगा आपके पास। तीसरा तरीका जो हम बताने जा रहे हैं आपको, ठीक है। जो तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फर्स्ट सिक्स टर्म्स तक हमें, सिक्स ईयर तक का हमें निकालना है, ठीक है, छह साल तक का निकालना है तो हमें सम निकालना है, पहले छह साल तक कितना प्रोड्यूस की, ठीक है, तो हमें सम निकालना है। तो सिक्स ईयर का हमें पता है कितना टीवी सेट्स था, मतलब एल हमें पता है, बाय कितना था 16,000 था, ठीक है। सिक्स ईयर में कितना था हमारा 16,000 था, हमें एल पता था, ए हमें पता ही चल गया है कितना है 5,000 है, ठीक है। एन तो पता ही कितना है 6, एस एन निकालना है, एस 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/2 इंटू ए प्लस एल, ए कितना है 5,000 प्लस एल कितना है 16,000, ठीक है। हमारे क्या आ जाएगा इधर से 3 इंटू 16,5 21,000, ठीक है, क्या आ गया 63,000 टीवी सेट्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फर्स्ट टू सिक्स ईयर, ठीक है, एक साल से लेकर छह साल तक 63,000 टीवी सेट्स बनाए। तो ये तीनों आपके क्वेश्चन थे, बहुत ही आसान क्वेश्चन थे, बस एक क्वेश्चन में तीन क्वेश्चन पूछ के आपको डराने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। तो बिल्कुल डरिए नहीं, हमारे साथ बने रहिए, हम आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन बहुत ही इजीली तरीके से कराते रहे, ठीक है। चलिए चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके स्क्रीन ऊपर, बच्चों देख लीजिए इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा बस सर्कल फॉर्म दे दिया तो बच्चे घबरा जाते हैं, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी है, हमें क्वेश्चन को सोच करके तब स्टार्ट करना, ठीक है, शुरू करना, समझ के सोच के तब स्टार्ट करना। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स, स्पाइरल बना है सक्सेसिव सेमी सर्कल्स का, अभी हम फिगर बना दे रहे हैं, ठीक है, विद सेंटर्स अल्टरनेटिवली एट ए एंड बी, उसका सेंटर जो है ए और बी पे अल्टरनेट पे है, और स्टार्टिंग सेंटर ए, ए सेंटर से स्टार्ट करते हैं हम लोग, ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर, फिर बढ़ता है 1 सेंटीमीटर, फिर बढ़ता है 1.5 सेंटीमीटर, फिर बढ़ता है 2 सेंटीमीटर, फिर बढ़ता है 2.5 सेंटीमीटर, ऐसे करके बढ़ रहा है, ठीक है, एज शोन इन द गिवन फिगर, फिगर भी बना दे रहे हैं। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच अ स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स,
उस मतलब अगर यही स्पाइरल का 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल का बना है, ठीक है, 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल के हैं, तो उसकी हमें लेंथ पता करनी है कि टोटल लेंथ कितनी होगी, मतलब हमें सम निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं स्पाइरल हमारा बना कैसे। ये मान लीजिए ए है, ये हमारा क्या है बी, ठीक है, तो ए को सेंटर मानते हुए सेमी सर्कल हमारा बना, ठीक, सेमी सर्कल बना, फिर बढ़ गया, फिर बढ़ गया, फिर बढ़ गया, ठीक है। इस हिसाब से हमारा क्या है चलता जा रहा है कि पहले क्या था, यहां से यहां तक एक की रेडियस कितनी थी, दे दिया 0.5 सेंटीमीटर, फिर यहां से यहां तक 0.5 हुआ, फिर 0.5 हुआ, फिर 0.5 हुआ, ऐसे बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस हमारा कितने का आ रहा है आपको पता चल गया, यहां से सबसे पहले हमें क्या पता चला, कॉमन डिफरेंस, ठीक है, कॉमन डिफरेंस क्या आ गया 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आ गया 0.5 सेंटीमीटर, हम लोग 1/2 भी लिख सकते हैं। कॉमन डिफरेंस पता हो गया। फर्स्ट टर्म हमें पता करना है कि पहली लेंथ कितनी होगी इसकी, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि लेंथ ऑफ सेमी सर्कल कितना होता है, लेंथ ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, हमने याद है ना आप लोगों को, क्या होता है लेंथ ऑफ सेमी सर्कल, पाई आर, क्या होता है पाई आर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लगा दे रहे हैं पाई आर, तो पहला जो लेंथ है, पहले अगर हम पाई में बात करें, पाई इंटू रेडियस, आर कितना 1/2, ठीक है, तो कितना हो गया पाई बाई 2 आ गया पहले का। दूसरे का क्या होगा, ऐसे ही, मतलब ये तो हमारा ए पता चल गया, ठीक है, हमें चलिए ए पता चल गया, पाई बाई 2 हो गया, ठीक, यहां से हमें ज्यादा बवाल नहीं करना, ए इज इक्वल टू हमारा आ गया पाई बाई 2, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, ए पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, एन पता है हमें, एन कितना है हमारा 13, ठीक है, ए पता है, डी पता है, एन पता है, एस एन निकालना है, आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। कैसे निकालेंगे देखो, एस एन इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, एन अपॉन टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब चलिए शुरू करते हैं, एस 13 निकालना है, इज इक्वल टू 13 अपॉन 2 इंटू 2a, ए हमारा कितना है पाई बाई 2, ठीक है, तो 2 इंटू पाई बाई 2 प्लस एन माइनस 1 मीन्स 13 माइनस 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस हमारा कितने का है 1/2 का, ठीक है, कॉमन डिफरेंस कितने का है 1/2 का, 1/2 नहीं होगा कॉमन डिफरेंस, ठीक है, कॉमन डिफरेंस होगा पाई बाई 2 का, पाई बाई 2 क्यों होगा, क्योंकि हमारे आएगा पाई बाई 2, जो अगला वाला जाएगा हमारा टर्म आएगा वो क्या आएगा पाई आएगा, जो उसके अगला वाला टर्म आएगा वो क्या आएगा 3π/2 आएगा, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस हमारा पाई बाई 2 का होगा, ये 0.5 सेंटीमीटर नहीं पाई बाई 2 का होगा, ठीक है, ठीक है, समझ मारा ना आपको, मैंने कहा था कि ए हमारा पाई बाई 2 होगा, दूसरे वाले जिस वाले बढ़ेंगे तो हमारा आएगा पाई, तीसरे वाले बढ़ेंगे तो 3π/2, तुम्हारा पाई बाई 2 पाई बाई 2 पाई बाई 2 का डिफरेंस आएगा, कॉमन डिफरेंस मान के हो गया पाई बाई 2 का, ठीक है। तो यहां कॉमन डिफरेंस मान के आ गया पाई बाई 2 का, सॉल्व कर लेते हैं, एस 13 इज इक्वल टू क्या आएगा 13 अपॉन 2 इंटू पाई बाई 2 दोनों तरफ का कॉमन निकाल लेते हैं हम लोग, पाई बाई 2 ब्रैकेट में क्या बचा 2 और 12 कितना हो गया 2 12 14, ठीक है। तो अब इसको हम क्या करते हैं, पाई को लिख लेते हैं 22/7 जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो 13/4 इंटू 22/7 इंटू 14, 7 × 7 = 14, 2 × 2 = 14, 2 × 2 = 2, 11 × 11 = 143 सेंटीमीटर की क्या आ गई लेंथ आ गई, ठीक है। हमें इसकी लेंथ पता चल गई कितनी है 143 सेंटीमीटर, पूरी स्पाइरल की लेंथ होगी। इजी क्वेश्चन था, बस ध्यान देना तुम्हारा कॉमन डिफरेंस क्या है, ठीक है, और तो बस हमका फॉर्मूला लगाना था और सारा कुछ तो दिया ही हुआ था, ठीक, बहुत इजी क्वेश्चन है, देख लीजिए हम कितने आसानी से आप लोगों को सारा क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है, खाली दिमाग लगाना क्वेश्चन है बस। चलिए चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे, ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर ये रहा, क्वेश्चन देखिए आसानी से इसको कैसे करना है वो हम बता रहे, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ लैडर हैज रंग 25 सेंटीमीटर अपार्ट, द रंग डिक्रीजेस यूनिफॉर्मली इन लेंथ फ्रॉम 45 सेंटीमीटर एट द बॉटम टू 25 सेंटीमीटर एट द टॉप, इफ द टॉप एंड द बॉटम रंग्स आर 2.5 मीटर अपार्ट, What is the total length of the old required for the runs? ठीक है, तो हम लोग इस क्वेश्चन को चलिए सॉल्व करते हैं, देखिए बहुत ही स्मूथली सॉल्व करेंगे इसको, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको समझ लेते हैं, कह रहा है एक सीढ़ी, ठीक है, सीढ़ी है इस तरह से, अब आप कहेंगे इस तरह से क्यों, ठीक है, सीढ़ी सीधी होनी चाहिए, लेकिन ये इस तरह से इसलिए है क्योंकि जो इसका बॉटम वाला है ना,
ये रंग सबसे पहले जो पैर रखने वाले, ये कितना 45 सेंटीमीटर का है और जो ये टॉप वाला है ना ये 25 सेंटीमीटर का है। इसका मतलब है ये कि इस कौन साइड पे होगा ये, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि ये 2.5 मीटर अपार्ट है। कितने मीटर अपार्ट है? 2.5 मीटर या 250 सेंटीमीटर हम लोग उसको कह सकते हैं, ठीक है। सेंटीमीटर में तो सब कुछ सेंटीमीटर हम लोग ले रहे हैं। फिर क्या कह रहा है कि A ladder has a rungs 25 centimeter apart. जितने भी रंग्स हैं इसमें 25 सेंटीमीटर में दूसरा है, 25 सेंटीमीटर में दूसरा है, इस तरीके से करके रंग्स हैं, ठीक है। इस देखिए ये रंग हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, इस हिसाब से करके क्या है इन सबके बीच की दूरी कितनी कितनी है 25 सेंटीमीटर। इसके भी कितने बीच की दूरी है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बीच की भी कितनी दूरी है 25 सेंटीमीटर। इस तरीके से कर करके 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर करके ऐसे दूरी, टोटल कितना हमें पता है 250। कितने कितने का गैप है हमें ये पता है 25। तो 250 को जो 25 से डिवाइड करेंगे तो पता चल जाएगा कितना गैप, 10 10 गैप होंगे। टोटल कितने गैप आ जाएंगे, 10 गैप आ जाएंगे। और एक हमारा रंग क्या होता है ज्यादा होता है, जानते हैं 10 गैप्स में कितने आएंगे लगने, ठीक है 11 आएंगे। 10 गैप है तो 11 लोग होंगे, 11 उसको बनाने वाले होंगे तो 10 गैप बनेगा, ठीक। तो देख लीजिए इसको हमें निकालते कैसे हैं, तो 25 प्लस 1 कर देना इसे अपॉन एन अपॉन मतलब जो लेंथ अपॉन 25 करके 10 1 करके वहां पर दिखा देना बोर्ड में किस हिसाब से निकालते हैं हम लोग। वैसे तो जनरल सेंस से आप समझ ही रहे हैं कि 11 होगा, ठीक है। तो हमें पता चल गया एन, हमें टोटल एन पता, ठीक है। सोल्यूशन हम करने जा रहे हैं, हमें अब क्या पता है, हमें सबसे पहले एन पता है कितना है 11, ए पता है क्या है 45 सेंटीमीटर, लास्ट टर्म पता है क्या है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। एस एन निकालना है भाई साहब, एस एन हम लोग जानते हैं क्या होता है, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है एन अपॉन टू इंटू जो पहला टर्म पता है लास्ट टर्म पता है इंटू ए प्लस एल, ठीक है। तो एस 11 निकालना है क्या होगा, 11 अपॉन टू इंटू पहला टर्म पता है 25, लास्ट टर्म पता है ठीक है चाहे जो भी, ठीक है 25 45, ठीक। क्या आ जाएगा हमारा एस 11 इज इक्वल टू 11 अपॉन टू इंटू 70, ठीक। टू से काटा 35 हमारा क्या आ जाएगा 11, 5 से 55 को 5 कैरी 5, 11 3 से 33, 5 38, ठीक है 385 सेंटीमीटर में आएगा। हमें अगर मीटर में से निकालना होगा तो मीटर में निकाल सकते हैं, डिवाइड कर देंगे 100 से तो मीटर में कितना आ जाएगा और 3.85 मीटर। आप ये भी करके लिख दीजिएगा वहां पे कि आपका नंबर किसी भी तरीके से न कटे, ठीक है। तो टोटल लेंथ ऑफ बोर्ड हमें रिक्वायर्ड कितनी होगी 3.85 सेंटीमीटर। आपको लग रहा हो कितना इजी क्वेश्चन है, कितने इजी तरीके से हो रहा है, ठीक है। चलिए चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर ये रहा क्वेश्चन, इस पर इसको ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है द हाउसेस ऑफ अ रो इन अ कॉलोनी आर नंबर्ड कंसिक्वेंटली फ्रॉम 1 to 49 सो दैट देयर इज अ वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द हाउसेस प्रीसीडिंग द हाउस नंबर्ड एक्स इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द हाउसेस फॉलोइंग इट, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। क्वेश्चन को देख लीजिए, समझ लीजिए, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बस समझना है हमें बहुत आसानी से। सबसे पहले इस क्वेश्चन में समझना क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एक कॉलोनी है हमारी, ठीक है। इस एक कॉलोनी में क्या है कि एक नंबर से लगा करके 49 नंबर तक का हमारे हाउस है, ठीक है, घर है। एक नंबर अगर हाउस है तो वो टर्म भी देखिए इसमें ध्यान दे रहे हैं, ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हमारा फर्स्ट नंबर ऑफ हाउस होगा, जिस हाउस का नंबर 1 होगा वो टर्म 1 भी होगा, ठीक है। सेकंड टर्म वाला जो हमारा हाउस होगा उसका रूम नंबर कितना होगा 2, थर्ड टर्म वाला जो हाउस होगा उसका रूम नंबर कितना होगा 3, फोर्थ टर्म वाला जो हाउस होगा उसका नंबर कितना होगा 4, ठीक है। ऐसे जो x टर्म वाला हाउस होगा उसका नंबर कितना होगा x, ठीक है। तो वही कह रहा है कि एक हमारे जो हाउस है उसमें एक x ऐसा नंबर ऑफ हाउस है, हमें प्रूव करना है कि एक x ऐसा नंबर ऑफ हाउस है जिसके पहले का सम, ठीक है, एक्स नंबर हाउस को छोड़ दीजिए उसके पहले एक से लेकर के एक्स से पहले वाले का जो सम है वो बराबर है एक्स के बाद वाला, एक्स को छोड़ दीजिए, एक्स के बाद वाला जो है एक्स प्लस 1 से लेकर के जो 49 नंबर तक के हाउसेस हैं उनके सम के बराबर है, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। क्वेश्चन में थोड़े दिमाग लगाने हैं, देखिए कैसे सॉल्यूशन हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले देख लीजिए नंबर एक कैसा 1 2 3 4 डॉट 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 ऐसे होगा, एक एक्स माइनस 1 फिर एक होगा एक्स, एक होगा एक्स प्लस 1 फिर यहां से डॉट डॉट डॉट
क्या होगा 49 नंबर तक। ये तो हम जानते हैं एक से लेकर 49 नंबर तक है, उसी बीच में कोई घर है, घर नंबर x, ठीक है। उसके पहले यहां से लेकर यहां तक का सम, मतलब x माइनस 1 लेकर तक का सम बराबर है कहां से, x प्लस 1 से लेकर के 49 तक के सम, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें निकालना होगा क्या, एक निकालना होगा एस एक्स माइनस 1 वाला, ठीक है, यहां से यहां तक का सम निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा। उसके बाद और हमें जो निकालना है यहां, ये यहां से लेकर यहां तक निकालना है, ठीक है, x प्लस 1 से लेकर के 49 तक निकालना। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले पूरा का सम निकाल लेते हैं, पूरे के सम में से यहां तक का सम माइनस कर देते हैं, ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, एस 49 में से माइनस एस एक्स कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों हमारे बराबर है, ये दोनों हमारे बराबर है, कह रहा है। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करना। पहले निकालते हैं इसमें ए क्या पता है, हमें यहां पे ए है 1, कॉमन डिफरेंस क्या है प्लस 1, ठीक है, और एन हमें पता, बस इतनी चीज पता होगी, एक्स माइनस 1 हमें एन पता, ठीक है। निकालते हैं सबसे पहला सम, एस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू, ठीक है, क्या होगा हमारा एन, एन हमारा है एक्स माइनस 1 ही होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया तो जो नंबर ऑफ हाउस वही नंबर उसका एन भी होगा, ठीक है। एक्स माइनस 1 अपॉन 2 इंटू ए प्लस एल, ए हमें पता है क्या है 1, लास्ट टर्म हमें पता है क्या है एक्स माइनस 2, ठीक है, ये हो गया। ये हमारा क्या आ गया, एक्स माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 माइनस 1 कट गया, बचा कितना x, ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं x इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 माइनस 1 कट गया, x इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन 2 लिख सकते हैं उसे। ये हमारा इक्वल है किसके, इसके, ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा क्या है, एस 49, एस 49 हम सीधा सीधा निकाल सकते हैं, क्या होगा 49 अपॉन 2 इंटू ए प्लस एल, ए हमारा कितना है 1 और लास्ट टर्म कितना हमारा 49, 1 प्लस 49 माइनस एस एक्स कर रहे हैं, ठीक है, तो एल भी हमारा क्या हो गया एक्स अपॉन 2 इंटू ए प्लस एल, ए कितना है 1 और एक्स कितना है एक्स, ठीक है, लास्ट टर्म कितना है एक्स, ये हो गया हमारा। यहां से देखिए क्या आ जाएगा हमारा 49 अपॉन 2 इंटू 50, ठीक है, तो 49 इंटू क्या आ गया 25, ठीक है, तो कट करेंगे 2 से तो 25 आ जाएगा, या तो 50 रहने दीजिए, ठीक है, अभी 2 की जरूरत पड़ेगी हटा लेंगे, 50 अपॉन 2 माइनस एक्स अपॉन 2 इंटू एक्स प्लस 1, इसको लिख सकते हैं हम लोग ऐसे, ठीक है। अब देख लीजिए इस तरफ भी 2 है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों तरफ, ऑन मल्टीप्लाइंग विथ 2 ऑन बोथ साइड, व्हाट वी गेट x इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू, जो ये हमारा 49 इंटू 50, ठीक, 49 इंटू 50 माइनस का x इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है, इसको इस तरफ लेके आते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, इसको ओपन कर लें x स्क्वायर माइनस x, इसको भी जो ओपन करेंगे प्लस का होगा इधर, तो x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 5 लेंगे 45 का 5 कैरी 4 और 5 4 से 24, ठीक, 2450 हो गया, ये x स्क्वायर हो गया, प्लस माइनस कट गया, हमारा क्या बच गया 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 2450, यहां से हमारा क्या आ जाएगा और आगे यहां से x स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारी 1225, ठीक है, तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू हमारी हो जाएगी रूट 1225, 1225 रूट किसका होता है, इसका रूट होता है 35 का, ठीक है, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 35, इसका मतलब हो गया कि जो 35वें नंबर का मकान होगा उसके पहले 1 से लेके 34 तक का जो सम होगा और 36 से लेके 49 तक का जो सम होगा उसके बराबर होगा, ठीक है, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 35। ये क्वेश्चन था आपके, ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा समझने वाला था, तो बहुत ही इजीली हम लोग कर लेते हैं, एक बार समझना था क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को हम समझेंगे, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को कर लेंगे। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पर, ठीक है, ठीक है बच्चों, आज का लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर ये रहा, क्वेश्चन देख लीजिए, सीबीएसई 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है, एक बार इसकी फोटो खींच करके मतलब आप लगाना शुरू कीजिए और क्वेश्चन को तो हम बता रहे हैं, ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन, फाइंड द मिडिल टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द सीक्वेंस फॉर्मड बाय ऑल 3 डिजिट नंबर्स व्हिच लीव रिमाइंडर 3 व्हेन डिवाइडेड बाय 4, also find the sum of all the numbers on both sides of the middle term, ठीक है,
कह रहा है कि हमें एक एपी का, ठीक, वो एपी क्या है, सबसे अच्छी चीज वही है समझना, एपी क्या है हमारा, कह रहा है थ्री डिजिट नंबर जो है 900 से शुरू होते हैं 999 तक जाते हैं, ठीक है, जो फोर्स डिविजिबल होने के बाद थ्री रिमाइंडर छोड़ देते हैं, तो ये तो फोर्स डिविजिबल है, तो पहली हमारा टर्म क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू 103, फिर 107, 111, 44 ऐड होता जाएगा और लास्ट में 999 भी आएगा, क्योंकि 96 फोर्स डिविजिबल होता है, थ्री रिमाइंडर छोड़ेगा तो 999, ठीक है। तो ये हमारा जो अब एपी हमें मिल गया, इस एपी का हमें मिडिल टर्म निकालना है, ठीक है, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द सीक्वेंस फॉर्म, जो ये हमें सीक्वेंस बनी है इसका हमें मिडिल टर्म निकालना है। मिडिल टर्म निकालने के बाद हमें क्या करना है कि दोनों साइड के सम को निकालना है, मतलब मिडिल टर्म के एलएचएस साइड और मिडिल टर्म के आरएचएस साइड का हमें सम निकालना है, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा बस क्यों क्या है कि मतलब ये क्वेश्चन कराने था, इनका मतलब ये था कि कैलकुलेटिव हो थोड़ा, ठीक है, कैलकुलेशन आपको करना पड़े, थोड़ा सा टाइम जाए आपका, उस बेस पे उन्होंने क्वेश्चन दिया था। चलिए हम सॉल्यूशन से करते हैं। सबसे पहले हमें ए पता हो गया है क्या है 103, कॉमन डिफरेंस हमें पता है क्या है प्लस का 4 और एन निकालना है, ठीक है, लास्ट टर्म हमें पता है क्या है 999, ठीक है। तो सबसे पहले हम टी एन लगा के निकाल सकते हैं लास्ट टर्म, ए प्लस एन माइनस वन डी होता है फॉर्मूला इसका, ठीक है, टी एन कितना 999 इज इक्वल टू ए कितना 103 प्लस एन माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है 4 का, माइनस करेंगे तो 9 में से 3 किया 6, 9 में से 8 किया 1 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 4, 4 से कट करेंगे 4 टू जा 8, 4 टू जा 8, 4 4 जा 16, n माइनस 1 इज इक्वल टू 224, n इज इक्वल टू आ गए 225, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि हमारे कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं, 225 टर्म्स हैं। अगर हमारे नंबर ऑड नंबर ऑफ टर्म होते हैं तो मिडिल टर्म क्या होता है हमारा n प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है। तो हमारा मिडिल टर्म क्या हो जाएगा एम टी लिख रहे हैं, मिडिल टर्म हमारा क्या होगा n प्लस 1 अपॉन 2 मीन्स 226 बटा 2 मीन्स 113, ठीक है, 130th जो इसका 113वां टर्म होगा वो हमारा मिडिल टर्म होगा। अब क्या कह रहा है कैसे फाइंड द सम ऑफ ऑल द नंबर्स ऑन द बोथ साइड ऑफ द मिडिल टर्म, मतलब बोथ साइड ऑफ द मिडिल टर्म में निकालना है, ठीक है, मतलब 113वां टर्म जो है यहां से हमें निकालना, जैसे जो एपी हो गई है, ठीक है, तो एक से लेकर 113वां टर्म हो गया, ये हो गया यहां, इसके पहले 113 को छोड़ दीजिए, इसके पहले का हमें यहां से लेकर यहां तक का सम निकालना है और फिर 113 के बाद से लेकर के हमें 225 तक का सम निकालना है, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं, यहां पे एक है, यहां पे कितना 225, तो इसमें भी आप जान आसानी से हम लोग क्या काम करें कि 113वां टर्म पहले निकाल लें, ठीक है, तो हमें एल पता हो जाएगा, ठीक है, हमें एस इक्वल टू मतलब एन ए प्लस एल लगा के हम निकाल सकते हैं इसको, ठीक है, सोचिए कैसे कर सकते हैं इसको, ए प्लस एल करके भी कर सकते हैं, तो ए में करना चाहिए लगभग, ठीक है। तो हमें ये पता है जब यहां से यहां तक सम निकालना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा, एस 225 माइनस एस 113 करना पड़ेगा, ठीक है, तो एस 113 हम पहले एक बार टी 113 निकाल लेते वो ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो चलिए टी हम निकालते टी 113, तो 113वां टर्म हमारा क्या हो जाएगा ए प्लस 112 टी, ठीक है, तो ए हमारा कितना है, ये हमारा है 103 प्लस 112, कॉमन डिफरेंस हमारा कितने का है 4 का, 103 प्लस 4 दूना 8 11 चौक 44, ठीक है, तो कितना आ गया हमारा 8 3 11 51 4 से 51 5 से 51, ठीक है, 551 आ गया हमारा, कौन सा टर्म 113वां टर्म हमारा क्या है ये 551 है, ठीक है, क्या है 551 है। तो चलिए हम लोग इसको निकालते हैं, ठीक है, क्वेश्चन को एक से लेकर 551 से, तो अब निकालते हैं हम लोग क्या, एक से लेकर 112 तक निकालना पड़ेगा, 551 हमारा आ गया, 551 में से अगर हम माइनस कर लें 4, ठीक है, तो 551 में 4 माइनस करेंगे 547 आ जाएगा इसका लास्ट टर्म, और 551 में अगर 4 जोड़ दे तो 555 आ जाएगा इसका फर्स्ट टर्म, ठीक है, हमें से नहीं मतलब 555 से तो मतलब है ही नहीं, ठीक है, तो कोई जरूरत नहीं इसकी। चलिए हम इसको निकालते हैं, हमें सबसे पहले क्या निकालना है एस 112 तक निकालना है, तो 112 कितना हो जाएगा 112 बटा 2 गुणे ए प्लस एल, ए कितना हमारा 103 प्लस एल, मतलब लास्ट हमारे कितना 547, ठीक है, इसको हम लोग जो निकालेंगे तो 112 बटा 2 गुणे 47 के 50 550 और 650, ठीक है, तो 112 गुणे
650 करेंगे तो 325, ठीक है 325 आ जाएगा। जब 112 गुणे 325 आप लोग इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या आ जाएगा 36,400, ठीक है क्या आ जाएगा 36,400, क्योंकि इससे करेंगे तो 11 तैतीस और 11 तैतीस 25 50, ठीक है 36,400 इसका आंसर आ जाएगा। आप उसके बाद फिर कर लीजिएगा S225 और S130 हम ये निकालना है, ठीक है ये हमारा हो गया पार्ट। अब हम निकालते हैं S225 माइनस S130 निकालते हैं, ठीक है तो जब S225 निकालेंगे तो S225 हमारा कितना आएगा 225 टर्म अपॉन 2 इंटू ए प्लस एल, ए हमारा कितना था 103, लास्ट टर्म कितना था 999 माइनस था S113 क्या होगा हमारा 113 अपॉन 2 इंटू ए कितना 103 प्लस लास्ट टर्म कितना 551, ठीक है 551 हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व कर ले रहे हैं तो कितना आ जाएगा 225 अपॉन 2 इंटू 900 और ये हो गया 1000, ठीक है 1102, ठीक है 9 3 12 का 2 यहां से लगा 1, 9 1 10 का 0 यहां से लगा 1, 9 1 10 1 11, ठीक है 1102 आ गया। 2 से इसको हम डिवाइड कर 2 5 10 बचा 1, 2 5 10 2 1 2, ठीक है हमारा क्या आ गया यहाँ पे और ये क्या बचा हमारा 113 अपॉन 2 इंटू इसको जोड़ते हैं हमारा क्या आ जाएगा 551 54, ठीक है 554 654 आ गया। 2 से कट करते हैं तो 327, ठीक है 327 आ गया। अब इसका हम गुणा कर लें तो कितना आ जाएगा हमारा 225 into 551, ठीक है 225 into 551 का गुणा ही कराना था तो आप जब गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 123975, ठीक है यही आएगा आपका के देख लीजिएगा, ठीक है मैंने किया हुआ इसका। और 113 × 327 ये कितना आ जाएगा आपका 36,951, ठीक है 36,951 हो गया। अब देख लीजिए हमारे यहाँ क्या इसको माइनस कर लेते हैं, ठीक है इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 में से 1 गया 4, 7 में से 5 गया 2, 9 में से 9 गया 0, ठीक है 9 में से 9 गया 0, 13 में से 6 गया 7 और 11 में से 3 गया 8, 8,724, ठीक है 87,024 क्या है 87,024। आप लोगों को देखिए ये क्वेश्चन क्या था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन दिए थे टाइम खाने के लिए बोर्ड के पेपर में, ठीक है तो आप लोगों का कैलकुलेशन थोड़ा तेज होना चाहिए, कैलकुलेशन कर लीजिएगा, कैलकुलेशन में गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, आराम से कैलकुलेशन कीजिए क्योंकि सही नंबर है तो पूरा नंबर देके जाएगा, गलत हो जाएगा तो कुछ नहीं देगा, ठीक है तो इस चीज को समझ लीजिए आपको क्या करना था। यह था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, ठीक है तो जैसे कि हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि ये वीडियो हमें दोबारा शूट करना पड़ा है, ठीक है क्योंकि पहले वाले वीडियो हमारे क्या हुई वॉइसी नहीं आई, वॉइसी रिकॉर्ड नहीं हुआ था माइक की प्रॉब्लम की वजह से, तो इसीलिए इसको दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ा। हम आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों को उज्जवल भविष्य के लिए मेहनत कर रहे हैं, आप लोग सिर्फ बने रहिए हमारे चैनल पर और कोई भी डाउट हो मैं आप लोगों से एकदम बेहिचक करता हूँ, कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, कोई भी चीज आपको पढ़ना हो वो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक की कोई भी चीज अगर आपको पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं उसको, ठीक है हमारे चैनल के माध्यम से आपको उसका जवाब जरूर दिया जाएगा। और अगर आज हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको जरूर से जरूर लाइक करें, हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ठीक है थैंक यू।